हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे कि अगर जो हमको हिंदी टाइपिंग करना हो तो कैसे हम लोग हिंदी टाइपिंग करते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए, मैक्सिमम इसमें ज़्यादातर क्या यूज़ किया जाता है, गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कर लिया जाता है। किसका? गूगल ट्रांसलेट, या फिर एक और आता है गूगल इनपुट टूल। क्या आता है? गूगल इनपुट टूल, उसका ज़्यादातर इस्तेमाल कर दिया जाता है। जैसे और जब हमको कहीं भी कोई करेक्टर लिखना हो ना, तो गूगल इनपुट अपने कंप्यूटर में क्या करेंगे, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। आ रहा समझ में? उसमें क्या हो, जैसे आपको कहीं भी हिंदी टाइपिंग करना है, सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं अपना विन वर्ड। क्या ओपन कर लेंगे? ये ओपन करने के बाद से हम चले गए कहाँ पे, ब्लैंक डॉट। अब यहाँ पे देखिए गूगल इनपुट टूल कैसे काम करेगा। आप यहाँ पे लैंग्वेज लेआउट देख रहे हैं ना, इसी में आपको दिखाई देगा क्या है, गूगल इनपुट टूल यानी कि हिंदी का। तो ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, हिंदी में। अब अगर हम यहाँ पे लिखें RAM और स्पेस कर दें, तो ये किस में आ जाएगा, लिख दिए RAM और स्पेस कर, क्यों सिर्फ ये आ रहा है। चलिए इसको पूरा डबल ए कर देते। लैंग्वेज को दूसरा सेलेक्ट हुआ क्या यहाँ से, हिंदी सही तो है। डबल चलिए एक बार देखते हैं, RAM, राम। राम के पास ऐसे कोई भी अगर हमको कैरेक्टर लिखना हो तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। जैसे सपोज कि अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, पूरा लिखेंगे गायत्री। किस लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ है जी ये, चलो कुछ तो इशू हो सकता है यहीं से, वहां से नहीं लगा है। यहाँ ही से। चलिए यहाँ से लैंग्वेज ले लेंगे, कौन सा, कैलिबरी वाला ना। चलो कैलिबरी ले, कैलिबरी लिखने लेने के बाद हम लिख दें यहाँ पे क्या है, गायत्री। क्या लिख दिए इसके लिए, वो थोड़ा सा ये इस बार चेंजिंग कर दिया कुछ, गायत्री ऐसे पहले सिंपल लिखने पे आ जाता। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि अगर यहाँ गूगल इनपुट टूल से लिखते हैं, आ रहा समझ में ना, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि सिंपल ऐसे टेक्स्ट तो लिख देगा, लेकिन अगर इसमें कुछ चेंजिंग आपको करना है, जैसे कुछ फॉर्मेटिंग करना है, इसमें कोई फॉर्मेटिंग काम नहीं कर, बस ऐसा टेक्स्ट रहेगा। बस ये काम कर सकते हैं आप, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, ये भी काम नहीं करने दे रहा है आप, पहले ये भी करने दे रहा था देखो। लेकिन ये हम चाहते नहीं, अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग के हिसाब से कर सकें, तो उसके लिए कई सारे लैंग्वेज आते हैं। जैसे अगर जो देखा है तो ज्यादातर यूज होता है किसका, एक होता है मंगलम का, किसका, मंगलम फंड का। दूसरा एक आता है क्रोति देव, दूसरा क्या आता है, क्रोति देव। और अगला एक और राजफंड करके आता है, क्या आता है, राजफंड करके, यानी कि इन फंड से हम क्या कर सकते हैं, हिंदी टाइपिंग कर सकते। लेकिन ये सारे फंड डाउनलोड करने के लिए हमको क्या करना होगा, और इसका इस्तेमाल ही हम लोग क्यों करेंगे, गूगल इनपुट टूल का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे। तो गूगल इनपुट टूल जब लेंगे तो सिर्फ वो टेक्स्ट लिख सकते हैं, आप उसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। लेकिन हम चाहते हैं हम उसमें फॉर्मेटिंग भी कर सकें, तो उसके लिए आप सबको इनकोडिंग का इस्तेमाल करना हो। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, ये लिखने के लिए आपको अलग अलग कैरेक्टर का अलग अलग कोड होता है, आ रहा समझे ना। तो फिलहाल पहले हम ये जानते हैं कि अगर जो ये फंड हमको अपने सिस्टम में डाउनलोड करना हो तो कैसे डाउनलोड करें, आ रहा समझे ना। तो ज्यादातर यूज होने वाला कृति देव है, हमको वही डाउनलोड करना है, तो कहाँ जाएंगे, ब्राउजर पे, और यहाँ सर्च कर लेंगे कृति देव फंड डाउनलोड। क्या सर्च करना होगा, कृति देव फंड डाउनलोड। जैसा हम ये लिखेंगे ना, तो आपको यहीं पे दिखाई देगा हिंदी टाइपिंग डॉट इंफॉर्मेशन का, दिख रहा सबको ना। तो इसी लिंक पे यानी कि डाउनलोड ऑल कृति देव वाले फंड पे आपको क्या कर देना होगा, क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे ना और स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखिए आपको ऐसे दिखाई देगी,
सब अलग अलग वर्जन में दिया है कि अगर जो 0.10 डाउनलोड करते हैं तो आपका ऐसे नॉर्मल फॉर्मेट में लिखा हुआ आएगा, 0.11 लेते हैं तो आपको ऐसे फॉर्मेट में आएगा, दिख रहा सबको ना? ऐसा नीचे आ जाइए सारा आपको दिखाई देगा। अगर जो आप यहाँ पे ले लेंगे कौन सा 0.35 तो ऐसे आएगा, दिख रहा है ना? 0.40 ले लीजिए, 0.40 लेंगे तो ऐसे लिखा हुआ आएगा, दिख रहा सबको ना? फॉर्मेट सबका अलग अलग दिया है, तो हम ये चाहते हैं सारा एक ही बार में डाउनलोड कर सकें, सारा फंड रहे उसमें, कि जब हमको जिसकी जरूरत पड़ेगी हम उसको क्या करेंगे अपने कंप्यूटर में सेलेक्ट कर लें। तो उसके लिए स्क्रॉल करके आएंगे जब नीचे ना, देखिए बहुत सारा दिया है, और जो 362 लेंगे ना तो ऐसे आप फॉन्ट लिख पाएंगे, स्टाइल अलग दे रहा है ना? नीचे आ जाए स्क्रॉल करके, आपको यहीं पे काफी दिखाई देगा डाउनलोड ऑल फॉन्ट, जितना फॉन्ट ये दिया हुआ है सारा फॉन्ट आपको डाउनलोड करना है, हम इसे क्या कर देंगे क्लिक कर, इसको क्या कर लेंगे यहां से क्लोज कर दे, देखिए डाउनलोड होने लगा आपके सिस्टम, देख रहा सबको ना? यानी कि पहले हम कहाँ गए हैं, पहले हम यहाँ लिख दिए हैं कृति देव फॉन्ट डाउनलोड, और पहले वाले लिंक पे क्या कर दिए क्लिक। अगर जो कोई एक वर्ड कोई एक हमको चाहिए होगा हम इसे डाउनलोड कर लेंगे, कृति देव जो सिर्फ 10 चाहिए तो हम इसे क्या कर लेंगे डाउनलोड, सिर्फ 11 चाहिए तो ये इसे डाउनलोड, और जो सारा हमको फंड चाहिए यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक हम स्क्रॉल करके कहाँ चले जाएंगे नीचे, नीचे आने के बाद यहाँ से क्या कर लेंगे डाउनलोड ऑल, क्लिक करते ही हमारे कंप्यूटर में क्या हो जाएगा डाउनलोड, इंस्टॉल नहीं हुआ अभी, सिर्फ क्या हुआ है डाउनलोड। इंस्टॉल करने के लिए आपको पहले आना होगा किसमें, दिस पीसी के बाद से डाउन, यही आया है ना कुरुति देव फंड, राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एक्सट्रैक्ट हेयर का, किसका ऑप्शन दिखाई देगा एक्सट्रैक्ट हेयर, अब ये प्रॉपर काम नहीं करेगा, ओपन करिए इसको, यही फोल्डर है ना, ओपन कर लीजिए, सारा फंड दिया लेकिन देखिए कोई इंस्टॉल होने का ऑप्शन नहीं आया, सिर्फ ऐसे एक एक इंस्टॉल करना पड़ेगा, स्टाइल दे रहा कैसे स्टाइल में आएगा, इंस्टॉल करें तो एक ही इंस्टॉल हो, हमको तो सारा एक ही बार में करना है ना, कंट्रोल ए किए और हम राइट क्लिक करके इंस्टॉल करने की कोशिश करें तो इंस्टॉल का ऑप्शन दे रहा है, एक बार देखिए नहीं दे रहा है ना, इसके लिए हम करेंगे क्या, जो हम फंड डाउनलोड किए वो सिर्फ करेंगे राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद कहाँ चले जाएंगे एक्सट्रैक्ट हेयर, यहाँ आने के बाद से करना क्या होगा, यहां से करेंगे यस टू, देखिए अलग फोल्डर बन क्या गया है ना, पहले किसमें था विनर आर में था, अब नॉर्मल फोल्डर में आ जाए, देखिए नीचे चला गया होगा कहीं, देखिए नीचे आया यहाँ पर, दिख रहा सबको ना? इसको हम करेंगे ओपन, ओपन करते देखिए आपको सारा फॉन्ट ऐसे दिखाई देने लगेगा, दिख रहा सबको ना? अब इसको हम करेंगे कंट्रोल ए से सेलेक्ट, राइट क्लिक, देखिए अब इंस्टॉल का ऑप्शन दे रहा पहले ही, हो जाएगा ना? हाँ, और जो प्रोसेस आपको भूल रहा हो फिर देख लीजिए हमने क्या किया है, पहले ब्राउजर पे जाके लिखे हैं कृति देव फॉन्ट डाउनलोड, और यहाँ नीचे सा क्या कर लिए हैं डाउनलोड कर लिए, डाउनलोड करने के बाद से हम कहाँ गए हैं दिस पीसी में, और फिर किसमें डाउनलोड, और जहां हमारा फोल्डर था उस पे क्या किए पहले राइट क्लिक करके क्या कर लिए हैं एक्सट्रैक्ट हेयर, ये करने के बाद से हम कहाँ चले गए इंस्टॉल करके, क्योंकि जहां चला जाएगा वहीं से हम सेलेक्ट कर लेंगे, हो सकता है आपका ऊपर ही दिखाई दे, ऊपर ही रखिएगा, हो जाएगा ना? अब इसमें हम करेंगे ओपन, ओपन करो कंट्रोल ऐसे क्या करेंगे सेलेक्ट, और राइट क्लिक करके क्या कर लेंगे इंस्टॉल, इंस्टॉल करते देखिए एक एरर हमारे में दे रहा है कि द कृति देव ये जो फॉन्ट आप डाल रही है ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में क्या है इंस्टॉल, क्योंकि पहले किसी बेस में इंस्टॉल किया गया होगा, यदि आपके में इंस्टॉल नहीं होता आप ऐसे इंस्टॉल कर लें, नहीं आपको लग रहा नहीं उसमें से हो सकता है कुछ हो या कुछ ना हो, आप इसको करिएगा सेलेक्ट
और या फिर क्या कर लेंगे, बस तो वेट कर लेंगे, सारा फंड धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। टोटल कितना फंड है इसमें, अच्छा वो तो सिर्फ वर्जन दिया था ना, टोटल 270 फंड दिया है इस, देख रहा सबको ना, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए फंड को डाउनलोड वो इंस्टॉल होने तक। इतना हो जाएगा ना जी, और आप लोग बोल रहे हैं तो प्रोसेस लिख लीजिएगा क्या क्या किए हैं। पहले डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड कर किसमें जाएंगे, दिस पीस में जाने बस पहले क्या करेंगे, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर और एक्सेप्ट हेयर पे क्लिक करने से हम क्या करेंगे, जो फोल्डर आएगा फोल्डर को ओपन करेंगे, और ओपन करने से उसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर लेंगे, हो जाएगा ना। क्या करें और बहाना क्यों तुम्हारा आई कार्ड था भाई, तुम वो आई कार्ड लगा दिए दिखाओ चलो थोड़ा सा बस इंस्टॉल हो जाने दो। अब ध्यान दीजिएगा, ये इंस्टॉल होने के बाद से आपको टाइपिंग करने के लिए या तो आप चले जाइएगा वर्ड पैड पर, वर्ड पैड आप लोग पढ़े हैं ना, वर्ड पैड या नोट पैड या फिर एमएस वर्ड, आ रहा समझे ना। हाँ एमएस वर्ड पे जाएंगे तो आपको एक इरर बस देखने को मिलेगा कि आप जो भी लिखेंगे ना उसके नीचे रेड लाइनिंग आ जाए, उसके नीचे क्या आएगा, रेड लाइनिंग। तो रेड लाइनिंग कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो बस वैसे इरर दिखाता है, लेकिन जब प्रिंट करें तो डॉक्यूमेंट में दिखाई नहीं। आपको जिससे बेटर लगे, नोट पैड में बेटर लगे तो नोट पैड में जाइए, वर्ड पैड बेटर लगे तो वर्ड पैड पे जाइए, और यदि आपको एमएस वर्ड बेटर लग रहा है तो फिर किसमें चले जाइए, एमएस वर्ड। आ रहा समझ में। चलिए अभी इंस्टॉल करते तक हम आते हैं अपने एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में कहाँ से सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम अपने फंड का नाम लिख लेंगे, कृति देव चाहिए तो कृति देव जो वर्जन चाहिए वो सेलेक्ट कर लेंगे, हो जाएगा ना। हाँ और एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर जो आप यहाँ सर्च बॉक्स में लिखेंगे तो कृति देव ही लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, तो यदि सर्च बॉक्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कृति देव, और यदि आप फॉन्ट से सर्च करेंगे ना तो कृति देव आपको कहीं नहीं दिखेगा, देख लीजिए कहीं कृति देव दिख रहा है, केस यही सारा फंड दिया है ना, लेकिन कहीं कृति देव दिखाई नहीं दिख, जहां लिखा होगा गियत तो न जब, वही आपका क्या है, कृति देव का फॉन्ट स्टाइल है, दिख रहा है ना सब, यही सारा क्या है, कृति देव का फॉन्ट स्टाइल है, जो आप वर्जन लेना चाहते हैं वो यहां से सेलेक्ट कर, हो जाएगा। तो देखा जाए पहले इंस्टॉल हुआ कि नहीं, हो गया है ना, इसको कर देंगे क्लोज, अब इसकी आवश्यकता नहीं। अब हमको करना क्या होगा, यहां पे आने के बाद से और जो ऊपर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, कृति दे, देखिए सबसे पहला वाला आ गया ना 0.10 वाला, हो जाएगा। अगर हम यहां से सेलेक्ट करेंगे तो हमको आ जाना हो जहां पे ऐसे हिंदी में लिखा हो, दिख रहा है ना, हम इलियन वाला ही सेलेक्ट कर लेते हैं, हो जाएगा। और अगर हम वर्ड पैड में जाएंगे, किस में जाएंगे, वर्ड पैड, तो वर्ड पैड में भी हमको यहीं से सेलेक्ट करना होगा, यहां से क्या सेलेक्ट करेंगे, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे तो कृति देव हो जाएगा। और ये नोट पैड में गए, तीनों तरीका बता दे रहे हैं, जिसमें आपको जाना हो उसमें आप आसानी से टाइपिंग कर सकते, इसमें कहाँ आएंगे, फॉर्मेट, और फॉर्मेट के बाद से फॉन्ट, फॉन्ट में आने के बाद से देखिए अभी आपका फॉन्ट कैलिबरी दिखाई दे रहा है ना, तो यहां से ले लीजिएगा क्या, कृति देव, हो जाएगा ना। सेलेक्ट करके हम कर लेंगे ओके, और ओके करने से आप अपना टाइपिंग यहां से स्टार्ट, हो जाएगा। फिलहाल अभी हमको करना क्या है, हमको वर्ड पैड से ही करना है, किसे कर लेना है, वर्ड पैड, वर्ड पैड पे आ जाएंगे, रुचि तो 11 ले लेते हैं जिससे क्या थोड़ा सा बोल्ड आएगा, जिससे थोड़ा सा क्या आएगा बोल्ड। इसमें अब हमको करना क्या होगा, अब हमको अपने हिसाब से जो कैरेक्टर लिखना होगा लिखेंगे, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा
सब का सारे कैरेक्टर का कोडिंग अलग होता है। जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉ से। यदि आपको कॉ लिखना होगा ना, इसमें डी बटन दबाना हो, कौन सा बटन दबाना होगा? और जो ख लिखना है आपको सबसे पहले क्या करना होगा, करना होगा बड़ा वाला ब्रैकेट ओपन करना होगा डी, फिर आप कर दिए बड़ा वाला ब्रैकेट ओपन अपने क्या? पूरा अपने नहीं अपने आधा अपने ऐसा नहीं है, सेलेक्ट करके चेंज करके देख लेना। देखो हम ये वाला ले लिए, सिर्फ स्टाइल ही चेंज हुआ है ना, 95 वाला लिए हैं, इस वाले के नीचे तुम दूसरा ले लो, बस स्टाइल चेंज हुआ है, दिख रहा है ना? तुम्हारे कहने का मतलब ही हम समझ रहे हैं। तो जो अलग फॉन्ट लेंगे ना, तो वहां पे दवाई कहीं आधा आएगा कहीं पूरा आएगा। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर जो आप हिंदी टाइपिंग करेंगे कैप्स लॉक ऑन नहीं होना चाहिए, कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो सीधा उल्टा काम कर, उल्टा क्या काम करेगा? अभी देखिए सिंपली अभी हम डी बटन दबा रहे हैं तो क्या पूरा को आ रहा है ना, कैप्स लॉक ऑन कर दिया अब डी बटन दबाए, अब क्या आया है आधा आ रहा, समझे ना? इसलिए पूरा और आधा आता है क्योंकि जब यदि हम फॉन्ट स्टाइल में आएंगे ना, देखिए ये फॉन्ट दिया गया, जैसे वो जो डी स्मॉल डी लिखेंगे तो क्या आएगा पूरा को, और कैपिटल डी लिखेंगे तो क्या आएगा आधा को, दिख रहा सबको ना? कोई दिक्कत इसमें? तो आज आप लोग इतना फॉन्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, और अगली क्लास हम आपको ये सारा चार्ट लिखवाएंगे और बताएंगे कैसे कैसे आपको लिखना हो जाएगा ना। तो आज आप लोग इतना ट्राई करके आइए लोग।